हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक कंफ्यूजन शायद आपको भी होती होगी और होती ही होगी, जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन होती ही है। कंफ्यूजन क्या है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, कंफ्यूजन ये है कि फंक्शन किसे कहते हैं और फॉर्मूला किसे कहते हैं। हालांकि है बहुत ईजी, अगर मैं बात करूं एक्सेल की, तो यहाँ एक्सेल मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से ये मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। ये एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2021 है। आप कोई सा भी वर्जन यूज कीजिए, उसमें फॉर्मूला और फंक्शन दो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, दोनों को समझेंगे, ठीक है। बात करें ऐड करने की, तो सिंपली आप ऐड कैसे करते हो। सेल एड्रेस तो आपको पता ही है, अगर मैंने यहाँ पर 44 लिख दिया, यहाँ पर 55 लिख दिया, यहाँ पर 77 लिख दिया, ठीक है। तो अगर इसको ऐड करना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका ये होगा कि आप यहाँ पर सिंपली इक्वल टू लगाओगे और इक्वल टू लगा करके इसको सेलेक्ट करोगे, यानी इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, प्लस का निशान लगाओगे, फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे, फिर प्लस का निशान लगाओगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे। तो ये बीच में जो प्लस आ रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे फॉर्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। और जैसे एंटर करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। अब सपोज कीजिए इन्हीं तीनों को हमें ऐड करना है फिर से, लेकिन यहां पर हम प्लस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे फिर हम यूज करेंगे यहां पर फंक्शन का। अब फंक्शन किसे कहेंगे, तो देखिए इक्वल टू का निशान लगाया और यहां सम लगा रहा हूं। सम नाम का जो फंक्शन है, सम नाम जो है ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि सम लगाने से आप जो है मल्टीप्लाई कर लोगे, सम लगाने से आप जो है सब्ट्रैक्शन कर लोगे, ऐसा नहीं है। सम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा और वो है ऐड करने का। अब इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर जाइए और जब सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहां पर रिजल्ट तो सेम ही मिलेगा, लेकिन यहां पर कहानी क्या थी कि यहां पर हम बीच बीच में प्लस लगा रहे थे। तो ये फॉर्मूला कहलाएगा और इसे क्या कहेंगे, ये जो सम है इसे कहेंगे फंक्शन, ठीक है।